देशभर तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है। गोहाना में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। गोहाना पानीपत नेशनल हाईवे पर गोहाना के पास पानीपत की तरफ से आ रही एक इको गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से गाड़ी पेड़ में डाल चकराई, जिसमें गाड़ी में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार ड्राइवर समेत 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया है, जहां एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रोहतक रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भिजवा दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और मरने वाले दोनों युवक यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले युवक रोहित ने बताया कि गोहाना में पत्थर लगाने का काम करता है। आज सुबह उसका भाई और गांव का एक युवक दोनों अपने अपने गांव यूपी से गोहाना आ रहे थे कि गोहाना के पास जिस गाड़ी में बैठे थे वो गाड़ी पेड़ में टकरा गई, जिसमें उसके भाई हरकेश व एक अन्य युवक की मौत हो गई, जबकि एक हादसे में गाड़ी में और सभी 11 लोग घायल हुए हैं। वहीं निदाना के रहने वाले युवक सुभाष ने बताया कि यूपी के पास से खेतों में काम करने के लिए 10 युवक एक गाड़ी में सवार होकर पानीपत से सवार होकर गोहाना की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में गाड़ी पेड़ से टकरा गई। गाड़ी में सवार दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि यह जो पूरा मामला है, आज सुबह लगभग अर्ली मॉर्निंग की बात है, सुबह सुबह की बात है, जहां पर पानीपत से गोहाना की तरफ आ रही इको गाड़ी गोहाना पानीपत हाईवे पर जो है एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 11 लोग घायल बताए गए हैं और इसमें से एक व्यक्ति को गंभीर हालात देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर भी कर दिया गया है। और बता दें कि आज पुलिस ने मामला दर्ज कर लापरवाही का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं और अब आगे की छानबीन जो है शुरू कर दी गई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं गोहाना के खानपुर पीजीआई स्थित, जहां पर आज पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं और अब पुलिस जो है आगे की जांच पड़ताल करती हुई सामने नजर आ रही है। और आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक यह खबर पहुंचे कि गोहाना के पानीपत रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए हैं और जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। आप तस्वीरें गोहाना से देख रहे हैं, जहां बड़ी खबर जो है आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जिसमें दो युवकों ने अपनी जान गंवा दी। इको में सवार होकर पानीपत से गोहाना की तरफ आ रहे एक इको में 13 ड्राइवर समेत 13 लोग इसमें सवार थे, जिसमें कुछ जो है मजदूर थे और कुछ इसमें एक जो है पत्थर लगाने का मिस्त्री भी बताया जा रहा है। अब तस्वीरें गोहाना के बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं, जहां पर आज ये सुबह सुबह जो बड़ा हादसा हुआ, उनको जो है जो घायल थे उन्हें यहां पर भर्ती करवाया गया है। ये पानीपत से बैठे थे और वो भाई था, वो सोया क्या कर रहा, उसने गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, इससे देखो उसका क्या पुलिस केस क्या बनेगा, वो कर कार्रवाई होगी। कितने जने थे गाड़ी में? गाड़ी में ये थे 12 जने थे, एक ड्राइवर था। कैजुअलिटी कितनी है? 10 बंदे तो हमारे थे, वो लिबरल वाला रहे थे और 2 बंदे और थे। इसमें घायल कितने? घायल सारे हुए 12 के 12, 2 की डेथ हो गई है और 10 से घायल हो गए। सारे यूपी के? सारे ना, उनका तो दोया का तो पता नहीं भैया यूपी के कि नहीं, ये यूपी के थे, फिर भी इसके दो थे। ये आप कौन से गांव के हो? निंदाना गांव। अच्छा, निंदाना जा रहे थे? हाँ, निंदाना जा रहे थे। क्या नाम है? सुभाष। ये सर गांव से आ रहे थे यहाँ पे काम करने के लिए, गोहाना में रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इको गाड़ी से आ रहे थे, इसमें करीब 13-14 गाड़ी में बैठे हुए थे लोग, सबके सब घायल हैं, एक लोगों की डेथ भी हो गई। कितने लोगों की हुई है? एक लोग, एक लोग ये थे यहाँ, दो लोग हो गए, दो हो गए सर। ये मरने वाला कहाँ का आपका भाई है? हाँ जी सर। कहाँ का रहने वाला? जैतीपुर। जैतीपुर
हाँ जी। कहाँ पड़ता है ये? शाहजहांपुर में पड़ता है, यूपी में। तो यहाँ क्या करने आ रहे हैं? यहाँ पे सर काम करने आए थे। धान वन लगाने? नहीं सर, काम है मेरा उसका, टाइल पत्थर का। अच्छा हाँ। तो आपका क्या लगता है? मेरा भाई है। बड़ा? छोटा है। एक्सपायर हो गया? एक्सपायर हो गया सर। और दूसरे का पता लगा कोई? दूसरे का कोई पता नहीं कौन है वो, कौन नहीं। घायल कहाँ है बाकी? घायल अस्पताल में एडमिट कराया है। मेडिकल में? हाँ। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। कहाँ हुआ एक्सीडेंट बताया? एक गोहाना मोड़ पे। किस चीज के साथ हुआ? ईको से बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि पेड़ में बैलेंस बिगड़ने से टक्कर हुई है। आज सुबह 5:30 बजे पानीपत गोहाना रोड पर सूचना मिली कि एक इको गाड़ी पेड़ से टकरा गई है। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, जहां पर गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 12 सवारियां थी, जिनमें 2 ब्रो डेड और 11 लोगों को चोटें आई हैं। तो ये जो डेड है इनमें कौन कहां के हैं? एक तो रियाज है और एक है हरदेश, दोनों यूपी के रहने वाले हैं, यहाँ काम के लिए आए थे। और जो बाकी घायल है? बाकी घायल एडमिट है खानपुर में ही, एक को PGI रोहतक रेफर कर दिया गया है। तो यूपी के रहने वाले जी? ये जो सभी यूपी के हैं? चालक बावड़ गांव से है, बाकी सब यूपी के हैं। सभी यूपी से आ रहे थे? जी सभी यूपी से आ रहे थे। क्या कार्रवाई की जा रही है? पोस्टमार्टम करवा जा रहा है मृतक का, घायलों का इलाज चल रहा है। तो गाड़ी कैसे, किस एक्सीडेंट हुआ? गाड़ी का तेज गति से चल रही थी गाड़ी, और किकर में टकरा गई, हेलमेट टकरा गई जी। लापरवाही का मामला? लापरवाही तो आ रही है जी, बता रहे हैं, और अभी होश में आ जाएंगे जब पता चल जाएगा। ठीक है।